नैनीताल पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मंत्री ने बलिया नाला सहित सीवर लाइन लीकेज मरम्मत की जानकारियां ली। समीक्षा के बाद मंत्री ने कहा है कि नैनीताल एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के साथ ही पर्यटन नगरी भी है, इसलिए नैनीताल के अस्तित्व को केंद्र और राज्य सरकार धनराशि की कोई कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश हर क्षेत्र में निरंतर चौमुखी विकास कर रहा है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। एडीबी से जो एक बहुत बड़ा धनराशि यहां पर आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी उसकी जो लाइन थी सीवर लाइन, उसमें जड़ें आ गई थी और रोबोट गया उसके अंदर, रोबोट ने सीसी कैमरे लगाए तब पता लगा जड़ें हैं, अब मैन्युअली उनको काट रहे हैं। नया सिस्टम, बिल्कुल नई तकनीकी यहाँ पर हम लाए हैं, उसका भी पूरा बहुत बड़ा प्लांट है और एसटीवी का प्लांट, उसका निर्माण आजकल बड़ी तेजी से चल रहा है। ये भी एक बड़ी बात नैनीताल के लिए हो जाएगी।